बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। धर्मा प्रोडक्शन ने गोविंदा नाम मेरा की रिलीज को फिर से रीशेड्यूल कर दिया। 10 जून को अक्षय कुमार स्टारर पृथ्वीराज के साथ नहीं होगी क्लैश। इससे पहले यशराज फिल्म ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की नई रिलीज की तारीख की घोषणा की 10th जून 2022 की नई रिलीज की तारीख के साथ। फिल्म का एक नया पोस्टर भी जारी किया गया जिसमें संजय दत्त, सोनू सूद, मानुषी छिल्लर और अक्षय कुमार शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गोविंदा नाम मेरा की रिलीज के लिए 10 जून की तारीख की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। हालांकि अब सुनने की बात ये कि विकी कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज को फिर से बदलने का फैसला किया है। सूत्र की माने तो गोविंदा नाम मेरा का डेट चेंज करने की बात यशराज फिल्म के साथ चर्चा के बाद ली गई है। धर्मा और YRF के बीच बहुत अच्छे संबंध है, इसलिए आपसी सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि गोविंदा नाम मेरा की रिलीज डेट चेंज की जाएगी। जबकि निर्माताओं ने गोविंदा नाम मेरा को चेंज करने का फैसला किया है, अब तक कोई नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। जाहिर है कि धर्मा प्रोडक्शन द फेम गेम के लॉन्च में व्यस्त है और नई तारीख के बारे में कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह है कि 10th जून 2022 को तीन बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थी, पृथ्वीराज, गोविंदा नाम मेरा और हॉलीवुड की जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन के बैकआउट करने के बाद अब पृथ्वीराज और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के साथ आमने सामने होंगी। आप इन फिल्मों को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।